हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख यात्राओं से जुड़े हुए क्वेश्चंस। उससे पहले आप सबके लिए जानकारी, पाठशाला ऋषिकेश में इन सभी कोर्सेज के लिए ऑफलाइन क्लासेस रोज चल रही है। रोज मतलब हर मंडे को नया बैच शुरू होता है, और इनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है नंदा राजजात का पहला पड़ाव। ठीक है, नंदा राजजात उत्तराखंड की या फिर कहेंगे विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा नंदा राजजात, जिसका पहला पड़ाव कौन सा है? तो इसका पहला पड़ाव पड़ता है नौटी ईड़ा बधाणी क्षेत्र। ठीक है, नौटी से ही शुरुआत होती है किसकी? नंदा राजजात यात्रा की। वहीं के लोग ही सबसे पहले अपनी जो बेटी है उसे विदा करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, नंदा राजजात में महिलाओं का जाना कहाँ तक स्वीकृत है? ठीक है, तो कहाँ तक स्वीकृत है? तो ये स्वीकृत है, ये स्टेप है, तेरवा पड़ाव पड़ता है पातार नचौनिया, यहाँ तक ही नंदा देवी यात्रा में महिलाओं का जाना स्वीकृत है। मतलब इसके आगे महिलाएं नहीं जाती, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, अलग अलग बहुत सारे माने जाते हैं। ठीक है, बाण की हम बात करें तो बाण के बाद कोई बस्ती नहीं मानी जाती, बेतनी बुग्याल पड़ता है साथ में रस्ते में। नंदा देवी राजजात निम्न में से किस क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है? गढ़वाल, कुमाऊं, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो गढ़वाल और साथ ही साथ कुमाऊं दोनों। ठीक है, दोनों का ही कह सकते हैं अब सांस्कृतिक महत्व रखती है नंदा राजजात यात्रा, और ए और बी दोनों इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा कब हुई? ठीक है, देखिए नंदा राजजात यात्रा वैसे तो बहुत पहले से मानी जाती है, पर 20वीं सदी का बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली यात्रा हुई 20वीं सदी की 1905 में। ठीक है, फिर स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब नंदा राजजात यात्रा हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी 1951 में। मतलब ऐसे याद कर सकते कि आप 1951 रुपए का प्रसाद चढ़ाया आजादी के बाद माता की यात्रा में, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा नंबर है याद करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस मतलब जितने हम आज क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे पर्टिकुलर इस टॉपिक से। तो अगर आप इन टॉपिक से ये क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम स्पेशली कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड पटवारी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व की अनोखी पदयात्रा नंदा राजजात यात्रा कितने वर्षों बाद आयोजित होती है? तो कितने वर्षों बाद होती है? तो 12 वर्षों बाद आयोजित होती है। ठीक है, 2026 में आप यात्रा होंगी। माना जाता है कि 12 साल में गांव में किसी जगह पर एक चौसिंघिया खाडू जन्म लेता है, और यह संकेत होता है कि नंदा राजजात यात्रा इस साल होगी। ठीक है, किस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है? तो सीधी सीधी बात, नंदा को ही कहा जाता है हिमालय का महाकुंभ। खटलिंग रुद्रा देवी यात्रा टिहरी में होती है, दैवर यात्रा पिथौरागढ़ में। ठीक है, वारूडी पंचकोसी यात्रा उत्तरकाशी में। नंदा राजजात यात्रा की समय अवधि कितनी है? कितनी होती है? तो 19 से 20 दिन की समय अवधि होती है। मतलब 19 से 20 दिन तक लगातार अलग अलग स्थानों में रुक के अलग अलग पड़ावों को पार करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, माता की डोली को अपने साथ लेकर चलते हुए लोग चलते हैं 19 से 20 दिन तक। नंदा देवी राजजात यात्रा किस गढ़ के राजकुमारों द्वारा संपन्न कराई जाती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। कौन सा गढ़ होगा? तो ये होगा चांदपुर गढ़, चांदपुर गढ़। ठीक है, चांदपुर गढ़, चांदपुर गढ़ के जो मतलब कह सकते हैं परमार राजा थे उनके द्वारा कराई जाती है। ठीक है, गाडू घड़ी यात्रा होती है। कौन सी? गाडू घड़ी। ठीक है, मतलब तेल का एक घड़ा भेजा जाता है, वो भी कहाँ से? यहीं से ही भेजा जाता है, और बद्रीनाथ के लिए। ठीक है, तो ये किसके होते? चांदपुर गढ़ के राजकुमारों द्वारा। कफूगढ़ की बात करें हम तो कफूगढ़, नागपुरगढ़, मौलेगढ़, ये सभी 52 गढ़ों का ही कह सकते पार्ट है। किस गांव में नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता शामिल होता है? ठीक है, तो लाटू देवता शामिल होते हैं बाण गांव से। बाण गांव में ही लाटू देवता का मंदिर है, जहां पर पुजारी का भी जाना मना है। ठीक है, कुछ समय के लिए ही मंदिर खुलता है, पुजारी भी इस पे कुछ पर के लिए प्रवेश करता है, उसके बाद ही मंदिर के बाहर से ही पूजा करते हैं लाटू देवता। इसकी अगर आप लाटू देवता की पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहां पर लाटू देवता की एक वीडियो बनाई गई है रील के माध्यम से, इंफॉर्मेटिव वीडियो, उत्तराखंड और देश विदेश से जुड़ी वीडियो आपको मिल जाएंगे वहां पर। ठीक है, नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव निम्न में से कौन सा है?
कौन सा होगा? तो अंतिम पड़ाव होता है होमकुंड, ठीक है। होमकुंड के बगल में एक चबूतरा है, वहाँ पर नंदा देवी का यात्रा डोला वहाँ पर रख दिया जाता है, चौसों के खाडू को वहाँ से आगे भेज दिया जाता है, जो धीरे धीरे अपना खुद अपना आगे का जो पड़ाव होता है उसे पार करता है और दूसरे रास्ते से बिना पीछे मुड़े लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है। कुलसारी की अगर हम बात करें तो कुलसारी में सूर्य मंदिर पड़ता है, ये भी एक पड़ाव है, तो भी एक पड़ाव है। नंदकेसरी वो स्थान है जहाँ से कुमाऊँ के लोग अपनी माता के साथ नंदा देवी यात्रा में शामिल होती है, ठीक है। कासवा गांव के समीप नौटी के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक की दूरी निम्न में से कितनी किलोमीटर है? तो कितने किलोमीटर की यात्रा होती है? तो ये होती है लगभग 280 किलोमीटर की। हाल ही में हुए वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, तो यात्राओं से क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे से आप देखेंगे। नंदा देवी के किस पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है, ठीक है। तो अभी बताया मैंने पीछे आपको किसके बाद नहीं है, तो बाण के बाद कोई भी बस्ती नहीं मानी जाती है। यहाँ से सिर्फ लाटू देवता शामिल होते हैं, जो यात्री होते हैं वो अपने साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था इसके बाद लेकर चलते हैं। निम्न में से किस यात्रा में माँ पार्वती की विदाई बेटी के रूप में की जाती है? देखिए नंदा देवी के क्वेश्चन को ही थोड़ा घुमाकर कर दिया, मतलब टॉपिक एक ही है, क्वेश्चंस को घुमाया जा रहा है अलग 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 तरीके से। तो नंदा राजजात यात्रा इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि जो नंदा है वो किस पर्वत की बेटी है, तो मदरांचल पर्वत की, किसकी? मदरांचल पर्वत की बेटी माना जाता है नंदा देवी को, ठीक है। पातर नचौड़िया नामक स्थान का संबंध किस यात्रा से? अभी पीछे भी हमने देखिए पीछे क्वेश्चन क्या था कि किस स्थान से महिलाएं नंदा देवी यात्रा में आगे नहीं जाती, अब यहाँ पर पातर नचौड़े का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन एक ही लेकिन उसके स्वरूप अलग अलग, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नंदा राजजात यात्रा। निम्न में से किसका संबंध नंदा देवी राजजात यात्रा से है? चौसिंगिया मेदू खाडू, जैसे मैंने आपको बताया 12 साल में खुद ब खुद ये जन्म लेता है, जियोरांगली दर्रा और छतोली रिंगाल सिंह। तो देखिए ये जो दो पॉइंट है ये आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, हो सकता है आपने ये ना पढ़ा हो, लेकिन अब दो पढ़ लिया आपने तो दो से आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जियोरांगली दर्रे से होती हुई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि नंदा देवी यात्रा किस दर्रे से होती हुई जाती है, तो जियोरांगली दर्रा। किस पर्वत को गण पर्वत व रजत गिरी कहा जाता है? तो कैलाश पर्वत का ही दूसरा नाम है गण पर्वत या फिर रजत गिरी, ठीक है। बहुत बार बच्चे ओम पर्वत को बोलते हैं कि ओम पर्वत को रजत, ओम पर्वत को आदि कैलाश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आदि कैलाश या फिर छोटा कैलाश, छोटा कैलाश, ठीक है, आदि कैलाश या फिर छोटा कैलाश बोलते हैं। गण पर्वत और रजत गिरी कैलाश पर्वत को ही बोला जाता है। जून सितंबर माह के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा किसके सहयोग से होती है? जी बिल्कुल, तो आईटीबीपी भी होती है, कुमाऊं मंडल विकास निगम भी और भारतीय विद्युत। क्यों देखिए आईटीबीपी क्यों? क्योंकि वो चाइना जाती है, लिपू लेक दर्रे से होती है, तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस उसमें साथ देगी। तो कुमाऊं में पड़ती है क्योंकि पिथौरागढ़, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम। और भारतीय विदेश मंत्रालय क्योंकि चाइना से संबंध होते हैं, विदेश मंत्रालय को उसमें आना पड़ता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कौन सी यात्रा अल्मोड़ा से कौसानी डीडी हाट होते हुए धारचूला पहुंचती है? तो कौन सी है? तो यह है आपकी ऑप्शन बी, कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। पिथौरागढ़ के लिपू लेक दर्रे से होकर जाने वाली यात्रा जैसे मैंने पीछे आपको बताया, तो कौन सी है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा। दयवरा यात्रा की हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, तो डेढ़ साल तक लोग अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, विश्राम करते हैं, अलग अलग गाँव में रुकते हैं और अलग अलग मंदिरों के दर्शन करते हैं लगभग डेढ़ साल तक। कैलाश पर्वत के चारों ओर की परिक्रमा की दूरी कितनी है? तो देखिए ये भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, 51 किलोमीटर। तो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसे हम बहुत बार करते हैं 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, ठीक है। 51 नंबर धार्मिक तरीके से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो वैसे ही 51 चक्कर काट लिया या फिर सोच रहा परिक्रमा की दूरी कितनी है, 51 किलोमीटर, ऐसे याद कर सकते हैं। निम्न में से कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है? तो शिवलिंग की तरह मानी जाती है कैलाश की बनावट, कहा जाता है कि पूरे शिवलिंग की तरह दिखता है और कोई भी कैलाश पर नहीं चढ़ पाता, मतलब बहुत ही टफ है वहाँ चढ़ना। लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं पर कैलाश पर्वत आज तक पूरी तरीके से कोई नहीं चढ़ पाया। अस्कोट आराकोट यात्रा किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है? पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा था और ये किसी एग्जाम में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, और आंसर इसका ऑप्शन सी, पहाड़ संस्था द्वारा, ठीक है। निम्न में से किस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो किस उत्सव में करते हैं? तो हिल यात्रा उत्सव में होता है, ठीक है, खरीफ की फसल के, खरीफ या फिर आप कह सकते हैं धान की रोपाई के समय।
धान की रोपाई के समय ये उत्सव मनाया जाता है। नेपाल की इसे देन कहते हैं, नेपाल की देन, ठीक है, जहां पर इसे इंद्र यात्रा कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंद्र यात्रा कहा जाता है, ठीक है। और हिल यात्रा की बात करें तो इसका मेन पात्र होता है लखिया भूत, लखिया भूत, ठीक है। तो हिल यात्रा, कंडाली उत्सव भी 12 साल में पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। दयोर और नंददेवी बता दिए, कंडाली उत्सव हर 12 साल में पिथौरागढ़ में मनाता है, स्पेशली किसके, तो भोटिया जनजाति द्वारा। वारुणी पंचकोसी यात्रा किस जनपद में हर वर्ष आयोजित होती है? तो किस जनपद में होती है? तो ये होती है उत्तरकाशी में, हर साल आयोजित होती है सितंबर के महीने के आसपास, ठीक है, सितंबर के महीने के आसपास आयोजित। टिहरी की बात करें तो खटलिंग रुद्रा देवी यात्रा होती है, ठीक है, चमोली में नंदा देवी, और पिथौरागढ़ में हमने देखी कैलाश मानसरोवर। तो ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे इंपॉर्टेंट यात्राओं से, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में आप हमें अपनी राय, अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे, किस महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप पर उसके लिए वीडियो लाई जाए। तब तक जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। धन्यवाद।